दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। पूर्व सेवा लीग जिला किन्नौर के पदाधिकारी मंडी लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह से मिले। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों से संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते आ रहे हैं। मांगों को लेकर समय समय पर मांगे प्रस्तुत की जाती रही हैं और इसी क्रम में 20 फरवरी 2023 से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन धरना पूर्व सैनिकों और बहादुर महिलाओं की संख्या का अनुशासित प्रयास जारी है। पिछले 70 दिनों से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, उत्तराखंड, एमपी, मणिपुर, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु और राजस्थान से हजारों पूर्व सैनिकों और बहादुर महिलाओं ने धरना स्थल पर उपस्थित होकर अपना रोष व्यक्त किया है। दिनांक 3 अप्रैल 2023 को देश के सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से सरकार तक ज्ञापन भिजवाया गया है, लेकिन खेद का विषय है कि सरकार द्वारा किसी भी स्तर पर उनकी मांगों का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिससे लाखों पूर्व सैनिकों के परिवार मायूस हैं। टॉप नर्स आर्मी में जो कि पीस में रहती है, आगे लड़ाई में हिस्सा नहीं लेती हो, उनको 10,500 दे रही है, अधिकारियों को 15,500 मिल रहा है, हमें उसका कुछ नहीं मिल रहा है। तीसरा फिटमेंट फैक्टर है। फिटमेंट फैक्टर का ऐसा है कि हमारा जब 7th पे कमीशन हुआ था, हमको 2.57 दिया गया ओनली कैप्टन तक, उसके आगे जो सीनियर अधिकारी है उनको 2.81 दिया गया। इसमें बहुत सारी हमारी विसंगतियां हैं। अभी जो ORP 2 में भी इन्होंने ऐसे किया है, हमारे कुछ नहीं दिया है। तीसरा हमारा डिजेबिलिटी पेंशन का है, जैसे हमारा कोई वॉर डिजेबिलिटी है या कहीं पीस डिजेबिलिटी है, उसमें हमारे को क्या है कि 9,000 मिलता है, चाहे सिपाही से लेकर कैप्टन तक वो, और वॉर डिजेबिलिटी को 18,000 मिलता है। जो अधिकारियों को और पीस डिजेबिलिटी को, उनको मिलता है 1,25,000, और जो वॉर डिजेबिलिटी है उनको मिलता है 2,50,000। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकॉन्गपियो से महेंद्र नेगी की रिपोर्ट।